नमस्कार दोस्तों, इस मूवी में हम कार्ला नाम की लेडी को देखते हैं जो अपने 3 बच्चों के साथ रहती है। कार्ला काम ख़त्म करके घर आती है तो देखती है कि विली गैराज में अभी भी काम कर रहा है। अब वो उसे रेस्ट करने को कहती है। फिर जब वह सोने के लिए रूम में जाती है तो कोई अनजान शक्ति उसे एक थप्पड़ रसीद करती है। फिर उसके बाद वो शक्ति उसे उठाकर बेड पर पटक देती है। फिर तकिए से उसका मुंह ढककर ज़बरदस्ती उसका रेप करने लगती है। चिल्लाने की आवाज़ सुन बिली दौड़कर आता है और सब नॉर्मल हो जाता है। फिर कार्ला उसे घर की छानबीन करने को कहती है लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता है। अब कार्ला बहुत हैरान थी कि ये सब उसके साथ क्या हुआ। इस हादसे से कार्ला के 3 बच्चे काफ़ी डर जाते हैं। अब कुछ देर बाद कार्ला अपने रूम में होती है तो अचानक सारी चीज़ें हिलने लगती हैं। ये देख कार्ला डर के मारे अपने बच्चे को लेकर घर से बाहर आ जाती है। अब वो बच्चों को लेकर अपने फ्रेंड के घर चली जाती है। इसके बाद बिली अपनी माँ से पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था। वो कुछ नहीं बताती है और सोने को बोलती है। फिर उसकी दोस्त उससे पूछती है, कल रात ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा। वो बताती है, कल रात किसी ने उसका रेप किया था और वो कोई अदृश्य शक्ति थी। ये सुन उसकी दोस्त उसे कोई डॉक्टर के पास जाने को बोलती है। अब उसके दोस्त के पति को कार्ला के यहाँ आने से अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए कार्ला बच्चों को लेकर एक बीच पर चली जाती है। अब रात को ये सभी वापस अपने घर आ जाते हैं। अब कार्ला अपने बच्चों को सुलाकर खुद भी सोने जाती है, तभी वहाँ उसकी फ्रेंड आ जाती है जो रात वहीं रुकने वाली थी। अब दूसरे दिन कार्ला अपने जॉब पर जाने लगती है, तभी वो आत्मा उसके कार का एक्सीलेटर दबा देती है जिससे उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो इस हादसे के बाद डॉक्टर के पास जाती है और अपने साथ हो रही चीज़ों के बारे में बताती है। उसको कार्ला की बातें बेतुकी लगती है। इसके बाद डॉक्टर उसकी कुछ टेस्ट करके वहाँ से वापस भेज देता है। अब रात को कार्ला जब नहा रही होती है तभी बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये देख कार्ला डर जाती है। तभी वो अदृश्य शक्ति उसको पकड़ लेती है और ज़बरदस्ती उसका रेप करने लगती है। अब अगले दिन कार्ला फिर से डॉक्टर के पास जाती है और बताती है, कल रात फिर से उस आत्मा ने उसका रेप किया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, 2 आत्माओं को अपने साथ लाया था और उन दोनों आत्माओं ने उसे पकड़ रखा था। इसके बाद वो अपने पैर पर छीलने के निशान दिखाती है जो कल रात उन आत्माओं ने किया था। ये सब देख डॉक्टर को लगता है कार्ला ने ये निशान खुद ही बनाए हैं और डॉक्टर उसे अकेले न सोने का सलाह देता है और कहता है, ये सब तुम्हारा भ्रम है। अब डॉक्टर कार्ला को छोड़ने उसके घर जाता है और घर देखने के बाद कहता है कि ये सब उसके अकेलेपन के कारण हो रहा है। अब वो कार्ला से पास्ट के बारे में पूछता है तो वो बताती है, जब वो छोटी थी तो उसका पिता उसे गलत तरीके से छुआ करता था जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और जब वो 16 साल की हुई तभी प्रेग्नेंट हो गई और उसके पति की मौत हो गई जिसकी वजह से उसे बिली को अकेले पालना पड़ा। इसके बाद दूसरे आदमी के साथ उसे 2 लड़कियां हुई लेकिन वो भी उसे छोड़कर चला गया। अब डॉक्टर वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में वो अदृश्य शक्ति सभी बच्चों के सामने उस पर अटैक करती है और सोफे पर पटक कर उसका रेप करने लगती है। फिर बिली उसे रोकने जाता है तो वो शक्ति उसे धक्का दे देती है। अब इस अटैक के बाद सभी काफ़ी डर जाते हैं। अब कार्ला कई डॉक्टरों के सामने अपनी आप बीती सुनाती है पर किसी डॉक्टर को इसकी बात पर विश्वास नहीं होता है। सभी समझते हैं कार्ला हेलोनेशन का शिकार हो गई है। अब कार्ला अपने बॉयफ्रेंड जेरी से मिलती है और इस सब के बारे में वो उसे कुछ नहीं बताती है। अब काफ़ी देर टाइम एक्सपेंड करने के बाद कार्ला अपने घर जाती है और जाकर सो जाती है। फिर रात 2 बजे वो अनजान शक्ति फिर से उसके पास जाती है और उसे किस करने लगती है। फिर वो उसके कपड़े खोल देती है और नींद में ही उसके साथ मजे लेकर चली जाती है। अब कार्ला की नींद खुलती है तो उसे बड़ा पछतावा होता है और वह काफ़ी गुस्सा करती है क्योंकि इस बार कार्ला भी मजे ले रही थी। अब अगले दिन वो डॉक्टर के पास जाकर बताती है कि वो आत्मा अब उसके साथ नींद में भी मजे ले रही है और अब वो बहुत परेशान हो गई। डॉक्टर उसे समझाता है, ये सब उसका हेलुसिनेशन है। कार्ला डॉक्टर पर गुस्सा करती है क्योंकि वो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। अब कार्ला अपने दोस्त को ये सब बताती है तो उसे भी विश्वास नहीं होता है, लेकिन तभी उसके दोस्त के घर के शीशे टूटने लगते हैं। अब उसके दोस्त सैंडी को यकीन हो जाता है कि कोई अदृश्य शक्ति है। ये सुन कार्ला बहुत खुश होती है क्योंकि सैंडी को अब उसकी बातों पर यकीन हो गया था।
अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्ला एक बुक शॉप में से दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को पकड़कर अपने घर लाती है और उन्हें बताती है कि वो आत्मा जब आती है तो रूम का सामान अपने आप ही हिलने लगता है और कमरा अपने आप ही ठंडा हो जाता है। वो बताती है कि वो बहुत पावरफुल है और उसका रेप भी करती है। उन इन्वेस्टिगेटरों को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी उसकी रूम का कांच हिलता है और उन्हें ठंडा लगने लगता है और उन्हें उनकी बातों पर यकीन हो जाता है। फिर वो उनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। फिर वो वहाँ एक यंत्र लगाते हैं। अब रात को आत्मा कार्ला के नज़दीक आने की कोशिश करती है पर वो उसे छू नहीं पाती है, जिससे वहाँ चिंगारी निकलने लगती है और वो स्टूडेंट उनकी फ़ोटो खींच लेते हैं। कार्ला बहुत खुश होती क्योंकि वो आत्मा उसे नहीं छू पा रही थी। अब अगले दिन स्टूडेंट अपने प्रोफेसर के पास जाकर तस्वीर दिखाते हैं। वो उसे और भी सबूत इकट्ठा करने को कहती है। अब वो दोनों अपनी टीम को लेकर एक सेटअप तैयार करने लगते हैं। अब रात में सभी लोगों की निगरानी में कार्ला उस आत्मा को पुकारती है, जिससे वो आत्मा बाहर आती है, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं। कार्ला को खुशी होती है क्योंकि बाकी लोग भी उसकी बातों पर विश्वास करने लगे थे। फिर प्रोफेसर अपने स्टूडेंट से कहती है कि उन्हें इस एंटिटी को पकड़ना होगा ताकि वह कार्ला को परेशान न करे। इसके बाद ये सब अपना सेटअप हटाकर वहाँ से चले जाते। तभी कार्ला का बॉयफ्रेंड जेरी वहाँ आता है और वहाँ लोगों को देख उनके बारे में पूछता है, तो कार्ला उसे अपनी आप बीती बताती है। जेरी उनसे कहता है, मेरे रहते तुम्हें कोई भी एंटिटी परेशान नहीं कर सकती। अब वो कार्ला को एक ड्रेस पहनकर आने को बोलता है। अब कार्ला उसे पहनने बेडरूम में जाती है। काफ़ी देर होने के बाद जेरी बेडरूम में जाता है और देखता है कोई अदृश्य शक्ति उसके ऊपर चढ़ी हुई है और उसका रेप कर रही है। तभी बिली वहां आता है और अपनी मां को हॉस्पिटल ले जाता है। अब जेरी डॉक्टर से बताता है कार्ला के शरीर पर कोई चढ़ा हुआ था और उसका रेप कर रहा था, लेकिन वहां कोई दिख नहीं रहा था। अब वो कार्ला से बिना मिले वहां से चला जाता है। अब कार्ला बहुत हताश हो गई थी, पर प्रोफेसर उस अदृश्य शक्ति से कार्ला को निजात दिलाने के लिए एक नया डुप्लीकेट घर तैयार करते हैं, जो कार्ला के घर के तरह ही था, जिस पर वो हीलियम लिक्विड का सिलेंडर लगा देते हैं, जिससे वो उस एंटिटी को फ्रीज कर सके। फिर वो कार्ला को अपना सारा प्लान बताते हैं। अब कार्ला तैयार थी और वो कार्ला को उसी घर में डाल देते हैं और उस एंटिटी के आने का इंतजार करने लगते हैं। अब रात होती है तो वो आत्मा उस डुप्लीकेट घर में आ जाती है और सारा सिस्टम खराब करके उसी हीलियम लिक्विड से कार्ला पर हमला करती है, लेकिन तभी सिलेंडर फट जाता है और वो एंटिटी वहीं पर बर्फ बन जाती है और सभी लोग उस एंटिटी को देखकर हैरान हो जाते हैं और तभी बर्फ में ब्लास्ट होता है और वो एंटिटी भाग जाती है। अब अगले दिन कार्ला अपने घर में वापस जाती है, जहां पर वो एंटिटी उसे अपने आवाज़ में वेलकम करती है। अब कार्ला ये घर छोड़कर अपने बच्चों के साथ कहीं और रहने चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।